ये शराबबंदी के पीछे बहुत बड़ी कमाई की साजिश है। ये शराब कौन बेचवा रहा है? नेता लोग ही खुद बेच रहे हैं। ये उठा लीजिए ना, भाजपा सांसद एम्बुलेंस चोर अजीत प्रताप रूढ़ी का एम्बुलेंस में शराब बिक रहा है। ये शराब बंदी के नाम पर बिहार के जनता के साथ एवं बिहार के राजस्व के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बिजनेसमैन को बिहार से पलायन, बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर को बिहार से पलायन, बिहार में बड़ी बड़ी कमेटी की बैठक की पलायन। गांधी जी का विचार अपनाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन गांधी का राज में भी जब शराब पी रहा है लोग शराबबंदी होने के बाद भी, तो आपको विचारधारा बचा कहाँ? विचारधारा अपने आप में एक आइडियल होता है। हम गांधी जी के विचारधारा फॉलो करते हैं, हम शराब नहीं पीते हैं। हाँ तो रहिए ना, बिहार को जनता को मारिए ना, राजस्व को झंडू में भेजिए ना, तो क्यों आप जीतनराम जी के साथ गठबंधन में, क्यों आरजेडी के साथ गठबंधन में, जब वो लोग खुलेआम कह रहे हैं कि शराब बिकना चाहिए, थोड़ा लाल पानी बिकना चाहिए, तो लोग तो गठबंधन तोड़िए। बिहार में शराबबंदी हुए 7 वर्ष हो गए हैं और लगातार यह मांगे उठ रही है कि बिहार में शराब चालू कर देना चाहिए। तो वहीं बीते दिनों जीतनराम मांझी ने मांग किया था और जिसके बाद राजद के कुछ नेताओं की तरफ से भी यह मांग किया जा रहा है कि बिहार में शराब चालू कर देना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपने कानून को लेकर जो है कुछ और निर्णय लेना चाहिए। हमारे साथ बात करने के लिए जो आपके युवा नेता है शराब पे आज चर्चा करेंगे, पुरुषोत्तम जी। जिस तरीके से बातें हो रही है, जीतनराम मांझी कभी कह रहे हैं शराब चालू कर देना चाहिए, कभी राजद के नेता कह रहे हैं, कैसे देखते हैं? बिहार में शराब बंद कहाँ है? बिहार में बता दे कोई ऐसा अधिकारी, ऐसा कोई थाना बता दे कि वो डेली शराब नहीं पकड़ रहे हैं। ये शराब बंदी के पीछे बहुत बड़ी कमाई की साजिश है। ये शराब कौन बेचवा रहा है? नेता लोग ही खुद बेच रहे हैं। ये उठा लीजिए ना, भाजपा सांसद एम्बुलेंस चोर अजीत प्रताप रूढ़ी का एम्बुलेंस में शराब बिक रहा है, तो क्या उन्हें पैसा नहीं आ रहा है? ये शराब बंदी के नाम पर बिहार के जनता के साथ एवं बिहार के राजस्व के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और शराब तो चालू होना चाहिए, जब किसी को मन है शराब पीने का तो उस पर प्रतिबंध क्यों लगाते हैं? शराब बेचिए ना। आज बिहार में शराबबंदी से कितना लोगों का मौत हो रहा है, पहले खुला हुआ था उससे ज़्यादा मौत हो रहा है। जब लोग चाहता है कि हम शराब पिए, उनको पीने दीजिए। शराबबंदी से बिहार में 5-6 तरह का घाटा हुआ। सबसे पहला राजस्व में गिरावट, शराब माफियाओं का बोलबाल, बड़े बड़े बिजनेसमैन को बिहार से पलायन, बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर को बिहार से पलायन, बिहार में बड़ी बड़ी कमेटी की बैठक की पलायन। लोग पहले बिहार में आते थे, बड़े बड़े कमेटी की बैठक करते थे, लेकिन वो लोग शराबबंदी होने से वो लोग पलायन कर चुके हैं, अन्य राज्य में बैठक करना चाहते हैं। वो बिहार की विकास की बात करना हो, लेकिन वो बिहार में बैठ कर नहीं, दिल्ली या अन्य राज्य में बैठ कर बिहार के विकास की बात करते हैं। नीतीश कुमार से जब सवाल किया जाता है कि शराब चालू कर देना, नीतीश कुमार कहते हैं कि महात्मा गांधी की मांग थी, सोच था उनका कि शराब गलत चीज है, उसको उपयोग नहीं करना चाहिए, इसलिए हम गांधी जी के विचारधाराओं पर चलते हैं और इसी के तर्ज पर हमने शराबबंदी का। गांधी जी का विचार अपनाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन गांधी का राज में भी जब शराब पी रहा है लोग शराबबंदी होने के बाद भी, तो आपको विचारधारा बचा कहाँ? विचारधारा अपने आप में एक आइडियल होता है। हम गांधी जी के विचारधारा फॉलो करते हैं, हम शराब नहीं पीते हैं, लेकिन जो गांधी जी को विचारधारा मानता ही नहीं है उस पर प्रतिबंध लगाना मूर्खता है। मंत्री कहते हैं कि कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, जिस तरीके से शराबबंदी कानून लागू है वो रहेगा। हाँ तो रहिए ना, बिहार को जनता को मारिए ना, राजस्व को झंडू में भेजिए ना, तो क्यों आप जीतनराम मांझी के साथ गठबंधन में, क्यों आरजेडी के साथ गठबंधन में, जब वो लोग खुलेआम कह रहे हैं कि शराब बिकना चाहिए, थोड़ा लाल पानी बिकना चाहिए, तो लोग तो गठबंधन तोड़िए। दोनों तरफ पुलाव मत खाइए, जनता को धोखा मत दीजिए, जुमलापनी बंद कीजिए और बिहार के विकास की बात कीजिए, युवाओं के रोजगार की बात कीजिए। मांझी जी तो तेजस्वी यादव के सामने कह रहे थे कि मांग आप भी की। नहीं, जीतनराम मांझी जी का हम बात पे अडिग हैं, भले वो महादलित नेता हैं, लेकिन वो हर समय एकदम फैक्चुअल बात करते हैं। अगर अगली जाति की भी बात उठाना हो तो जीतनराम मांझी एकदम मुक्त रूप से बात उठाते हैं। वो वास्तविकता में कहते हैं कि जो जेल कौन जाता है, गरीब जाता है, बड़का लोग के प्रशासन तो पैसा लेकर छोड़ देता है। इसलिए मैं जीतनराम मांझी को तहे दिल से धन्यवाद दूंगा, वो एकदम जायज मुद्दा उठाते हैं और ऐसा लीडर भले ही कोई कास्ट से हो, लेकिन बिहार में जीतनराम मांझी ऐसे नेता को हमेशा रहना चाहिए, उनका जैसे सोच वाले नेता को। एक अंतिम सवाल रहेगा, सिवान में फिर से एक बार बीते दिनों जहरीली शराब कांड हुआ, आंकड़ा भी छुपाया गया। देखिए,
जो मीडिया में दिखता है वही बिकता है। शराब से हर जिला में डेली मौत हो रहा है, लेकिन प्रशासन द्वारा अधिकारी द्वारा छुपाया जाता है कि अब पोल ना खुले, सरकार के किरकिरा ना हो, और जब सरकार पर किरकिरा होगा तो वहाँ के डीएम पर, वहाँ के एसपी पर, वहाँ के थाना प्रभारी पर गज गिरेगा। और बिहार का इतिहास है या इस देश का इतिहास है, जब भी गुनाह हुआ है, जब भी कोई क्राइम हुआ है, छोटा मछली जेल गया है, बड़ी मछली बाल बाल बचा है, चाहे गुजरात की बड़ा ब्रिज कांड हो या बिहार की शराब कांड हो। क्या शराब चालू कर देना है बिहार में? शराब जैसे आधार कार्ड लिमिटेड है, शराब लिमिटेड चालू किया जाए, शराब को इतना महंगा किया जाए गरीब लोग शराब खरीद ही नहीं पाए, 5-star होटल में शराब कर दिया जाए बस। चलिए, तो शराब बिकना चाहिए बिहार में, लेकिन लिमिटेशन के आधार पर बिकना चाहिए। पुरुषोत्तम राज थे, जो आपके युवा नेता हैं, शराबबंदी कानून को लेकर मुखर होकर अपनी तमाम प्रतिक्रिया रखी है पुरुषोत्तम ने। तो पुरुषोत्तम ने क्या कुछ कहा आपने सुना है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शराबबंदी कानून को लेकर सवाल खड़ा कर दिया पुरुषोत्तम का। यह साफ कह रहा है पूरे तरीके से नीतीश कुमार के, मंत्री नीतीश कुमार के नेता या फिर नीतीश कुमार का शराबबंदी कानून विफल है, फेल है। लगातार जो अर्ली शराब से मौतें हो रही है, तो वहीं उस तरीके से शराबबंदी कानून लगाया गया है, इसको चेंज कर लिमिटेशन के द्वारा जो है शराब बिहार में बिकना चाहिए। क्या कुछ करते पुरुषोत्तम आपने सुना, और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। पटना से सहयोगी पंकज के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।